हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं छोटा सा एक फिर से हार्वेस्टिंग लेके आया हूँ, तो देखिए। और मेरा ये आलू लगाया इधर में, देखिए सभी ये आलू लगा दिया हूँ। अभी इसका हार्वेस्टिंग का टाइम नहीं हुआ, जब होगा तो दिखाऊंगा आप लोग को। इसको मैं सभी ऐसा छोटा छोटा पॉलीथीन बैग में लगाया हूँ। देखिए, पहले आप मेरा छोटा सा बालकनी गार्डन का ओवरव्यू देख लीजिए। ये वाला ऑनियन है, मैंने सीड से लगाया, फर्स्ट टाइम ग्रो कर रहा हूँ, तो क्या होगा पता नहीं। और ये वाला मैं बल्ब से लगाया, ये शैलोट है, शैलोट ओनियन। देखिए ये सब, देखिए मेरा बालकनी गार्डन पूरा भरा पड़ा है। सो फ्रेंड्स, आज मैं सबसे पहले ही ये मेरा चना का भाजी, इसको मैं हार्वेस्ट कर दूंगी। देखिए ये अभी खाने का, इस टाइम हार्वेस्ट किया तो बहुत ही सॉफ्ट आएगा। देखिए ये बहुत सॉफ्ट होगा, इससे ज़्यादा रखा तो पूरा हार्ड हो जाएगा, फिर खाने में अच्छा नहीं लगेगा। इधर देखिए कबूतर, पूरा कबूतर आके मेरा प्लांट खा देता है। यहाँ साइड से न्यू वाला पत्ता पूरा आ जाएगा फिर से। यहाँ पे मैंने मस्टर्ड लगाया हूँ, ये देखिए राय का साग, राय साग बोलता है। और थोड़ा ये लेट्यूस भी लगाया हूँ, वो भी छोटा छोटा है। यहाँ पे देखिए सभी पालक, धनिया, सौंफ। और यहाँ पे मेरा छोटा वैरायटी का मूली, ये भी हार्वेस्ट करूँगी। छोटा छोटा क्यूट क्यूट हुआ है, ये छोटा है। और सभी छोटा है अभी। यहाँ पे भी एक मेरा नॉल को भी आ रहा है, नॉल कोन। और यहाँ पे मैंने फिर से ये मूली लगाया हूँ, ये देखिए मस्टर्ड, ये अलग वैरायटी का मस्टर्ड है गांव का।
ये देखिए आज का मेरा हार्वेस्टिंग, छोटा वेराइटी का रेडिश और ये जो है चना भाजी। तो देखिए छोटा सा बालकनी गार्डन से इतना हार्वेस्ट हुआ। छोटा जगह होने से शॉप लगा सकता है थोड़ा करके, केमिकल फ्री। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।